तो गाइस जो फिर से हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया टिकटॉक मेकर स्ट्राइक करेंगे। और गाइस ये देखो अपना लास्ट टाइम का हैक, एक्चुअली मुझे लगा कोई गिर गया। आपको ऑब्वियसली गाइस याद होगा, तो हम लोगों ने ये एकदम बढ़िया सी लिप बनाई थी और इनको मैंने एक्चुअली थंबनेल के लिए रखा है। बिचारा इधर ऊपर फंस गया, एक काम करते हम लोगों ने इसको नीचे भेज देते। ओके क्या मस्त मजे में जा रहे, ऐसा क्यों लग रहा है इधर कोई तो फंसा है। और गाइस कोई नहीं फंसा है तो एकदम आराम से जा रहे। ओके मुझे लगता है इनको ना बहुत ज्यादा मजा आ। ओके कोई तो बेचारा जान दो, कोई नहीं होता है होता है। और घोड़े भाई उतर जाओ यार, उतर जाओ उतर जाओ। गाइस उतर क्यों नहीं रही है? ओके गाइस तो हम लोगों ने सबको उतार दिया। ये देखो अभी पिक भी बेचा था तो हम लोगों ने उसको भी उतार दिया, एकदम अच्छा काम किया। तो अभी अपना आज का पहले ट्राय करते हैं। ऑल राइट, तो भी अपने पास ना एकदम फनी सा हैग है, उसके लिए अपने को गाइस चाहिए पिगलिन। और फिर गाइस अपने को ना अलग अलग हेड लेने हैं, जैसे क्रीपर हेड हुआ, फिर स्केलेटन किधर गया, अरे क्या था पड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये भी ले लेते हैं। तो अभी अपने को गाइस इधर है ना एक छोटा सा एरिया बना देना है, और फिर अपने को ना हर इस पे एक एक डिस्पेंसर लगा देना है। मुझे लगता है आपको समझ में आ ही चुका होगा, थोड़ा सा ट्रोल टाइप है के फनी है एक्चुअली मैं बोलूँ तो। और फिर हर इसको एक एक बटन भी लगा देंगे ना, तो डिस्पेंसर काम कैसे करेगा। और हर इसमें एक एक अपना हेड डाल देते हैं। ओके ये देखो भाई, और फिर अपने को चाहिए मेन अपना बंदा पिकलिंग। ओ भाई क्या हुआ, इसको इधर जमता नहीं क्या? और राइट गाइस, तो भी हम लोग देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। बटन दबा देता हूँ गाइस, ये देखो यार क्या फनी लग रहा है सही में पिकलिंग। और ये क्रीपर है ना भाई, भाई भाई कुछ हो जाता है कि इनको मत, मुझे सही में नहीं पता था। ये देखो गाइस ड्रैगन आ गया, ये तो बेबी पिगलिन है यार, इसका क्या कर, इसको हेड दे पाऊंगा? नहीं यार ये बेबी पिगलिन है, इसको दे देता हूँ। इसको कौन सा था? ओके स्केलेटन वाला, एक मिनट बेबी पिगलिन हटा देता हूँ। आई होप कि बड़ा सा पिगलिन, ओके एक तो आ गया बड़ा सा, इसको क्रीपर हेड दे दिया। और ओके ये ज़ॉम्बी हेड दिया, कल से मैंने क्रीपर बोला तो गाइस ये ज़ॉम्बी हेड है यार, इधर मुझे बड़ा चाहिए। ऑलराइट गाइस ये देखो हम लोगों ने इसको स्केलेटन दे दिया अपना भाई विद स्केलेटन, क्या फनी लग रहा है। ये ड्रैगन वाला सबसे ज्यादा फनी है। अगर गाइस सबको याद होगा तो एक बार मैंने ऐसे हैक किया था जिसमें हम लोगों ने ना अपने विलेजर को हेल्प दिए थे, और बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था। ये देखो क्या फनी लग रहा है यार, अपने पांच अलग एकदम यूनिक से पिकलिन गाइस, और अपने नॉर्मल वर्ल्ड में एकदम डेंजर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा फनी। ये देखो ना कैसे ग्लिची टाइप हो गए, बहुत ज्यादा फनी लग गाइस। अभी हम लोग एक काम करते हैं, आई थिंक अगर आपको याद नहीं होगा लाइक कि विलेजर को हम लोग हेड कैसे दे पाते हैं, तो अपने को चाहिए, तो अपने को टाइम करना है नाइट, और फिर हम लोग एक विलेजर स्पॉन कर देंगे। उसके बाद में इधर अपने को ऐसे आई थिंक ऐसे ओके इधर ही लगाना है ना, इसमें सब विलेजर किधर गए, सोने तो आजा मेरे भाई। और फिर हम लोग इसमें एक हेड डाल देंगे, और थोड़ा सा उजाला भी कर दे दे भाई, अंदर में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी अपने वो बस इसमें बटन लगा देना है इधर, और फिर ट्राई करते। ऑल राइट गाइस ये देखो हम लोगों ने ना विलेजर को इस तरीके से लास्ट टाइम हेड दिया था, आई थिंक वो वीडियो को 4-5 महीना हो गया है। तो ये देखो ऐसे इसका हेड निकल, ओके इसका हेड भी नहीं निकल सकता मैं गाइस, बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है। इतना बड़ा विलेजर मैंने कभी देखा नहीं था। अगर इसमें क्रीपर डाल लिया और फिर नहीं, अपने को दूसरा ही विलेजर स्पॉन करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने क्रीपर हेड भी डाल दिया, और अभी हमने इसको बटन लगा दिया। ये देखो सो गया, अभी इसको फिर से दबा देते भाई साहब। ये देखो गाइस का फनी लग रहा है, एक मिनट टाइम सेट कर देता हूँ नून पे, और जैसे ये उठ जाएंगे तो ओके एक दूसरे को देख के यार ये भी डर गए शायद। ओके इसका मुंह खुलता है, मैं अब भी याद आया मुझे, ड्रैगन जब चलता है तब उसका मुंह भी खुलता है। ओ भाई ये देखो क्या हुआ था, एक दूसरे के अंदर घुस गए थे, बहुत ज्यादा फनी सीन। अरे यार ये तो थंबनेल के लायक है भाई, ये देखो कैसे देख रहे गाइस, सही में बहुत ही ज्यादा फनी। ये ड्रैगन तो इसके पीछे पड़ गया। इनको जान देते हैं, अभी अपना नेक्स्ट हैक ट्राई करते हैं गाइस। तो अभी अपने पास है ना एकदम बढ़िया सा सरप्राइज, अभी ये वाली चीज मैं पहले बना लेता हूँ, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है, सरप्राइज फेल हो जाएगा। इसलिए गाइस ये देखो यार हम लोगों ने ना एकदम बड़ी सी चेस्ट बना दी, ये देखो ये वाली छोटी, उसके बाजू वाली, और ये बीच वाली इतनी बड़ी है। तो ये वाली हैक के मदद से ना हम लोग ना बड़ी चेस्ट बना सकते हैं, और इसमें हम लोग ना बहुत सारा सामान रख सकते हैं। मुझे पता आप लोग बोले होंगे क्योंकि स्टोरेज की उतना ही, एक्चुअली ये वाला हैक ऐसा नहीं है, छोटा सा स्कैम था, एकदम छोटा सा, बस छोटा सा इल्यूजन था। ये देखो इस हिसाब से लाइक ये वाली चेस्ट बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा नजदीक जाने पर और बड़ी हो जाती है। बस ये वाली चेस्ट 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक हाई पे रखी है, बीच में बाकी ज्यादा कुछ नहीं।
बाकी तो बस इल्यूजन का खेले तो मुझे पता है इतना डेंजर हैक नहीं था, बट फिर भी अच्छा था। अभी अपना नेक्स्ट हैक ट्राई करते। ऑलराइट, तो अभी अपने पास है ना फिर से एकदम बढ़िया सा सीक्रेट बेस हैक है, एकदम बोले तो बढ़िया है। तो उसके लिए अपने को चाहिए बैरल। ओके गाइस, तो सब चीजें ले ली, तो अभी अपने को पहले ही तरह से बैरल लगाना है और उसमें हम लोग पेपर रख देते हैं जो आई थिंक अपनी की होने वाले, और उसके बाद में आई थिंक अपने को इसके नीचे ओके और एक ब्लॉक पीछे इधर ऐसे पिस्टन लगा देना है, फिर अपना एक सैंड ब्लॉक आ जाएगा आई थिंक बराबर से जा रहे। उसके बाद में अपने को ना इधर पीछे थोड़ा सा खुदाई काम करना है, इधर दो ब्लॉक लगा देंगे, ये बाद में दिखा देता हूँ। फिर अपने को चाहिए थोड़ा सा डेकोरेशन काम भी, ताकि मतलब अपना बैरल तो यार एटलीस्ट ढक जाए। और फिर अपना ये मेन बैरल छुपाने के लिए हम लोग ना ऐसे ही साइड में ना इधर ऐसे बैरल लगा देंगे आई थिंक ऐसी डिजाइन। ऑलराइट, ऐसी ओके ऐसी डिजाइन ठीक है। उसके बाद में अपने को गाइस इधर एक कंपैरेटर लगा देना है, इधर आ जा, और फिर एक रिपीटर आ जाएगा। उसके बाद में अपने को ना इधर ऐसे एक ब्लॉक लगा देना है ऊपर। ओके गलती से टिक लग गई, कोई नहीं, और ये हटा देंगे। और फिर अपने को इधर एक ब्लॉक लगाना है, और इधर एक रेडस्टोन, देन फिर से एक रिपीटर, इधर एक रिपीट रेडस्टोन आएगा, सॉरी रेडस्टोन। और फिर आई थिंक अपना सेटअप एक्टिव हो गया। अभी अपने को ट्राई करना है कौन सा बैल था यार। ओके मैं ही भूल गया। ओके अगर पेपर हटा है तो ऑलराइट, पेपर नहीं मतलब कुछ भी। हम लोग गाइस ये देखो एकदम सही से काम कर रहा है। इधर भी एक बैरल लगा देता हूँ, अभी मुझे लगता है बराबर से काम कर रहा है। और फिर हम लोग ना ये पीछे का पूरा ऐसा ढक देंगे। ऑलराइट, ऐसे ही ढकना पड़ेगा, लाइक लगना अच्छे, इधर कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है अभी है ना गाइस थोड़ा सा कम डाउट खाने वाली चीजें, बट है डाउट खाने वाली है। तो फिर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, पेपर ले लिया और अपना बेस खुल गया। एक सेकंड, बेस के नीचे तो जाना चाहिए कि नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपना बेस रेडी है। एक सेकंड, मुझे लगता है ये हटानी पड़ेगी लैडर, और अभी हम लोग इसको फिर से अरे इधर किधर जा रहा हूँ, फिर से ट्राई कर रहे, फिर से पेपर रख दिया। ओके अपना बेस भाई साहब ढक गया, और फिर से मतलब कोई भी अगर बंदा आता है तो ये देखो इधर ऐसा खड़ा रहेगा, उसको थोड़ी ना पता चलेगा, वो बस देखेगा अभी कौन बंदा पेपर लेगा। ऑब्वियसली मैं तो नहीं लूंगा, मैं गरीब हूँ। तो फिर हम लोग ऐसे नीचे जा सकते, नीचे जा। ऑलराइट गाइस, इससे काम कर एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। और फिर से हम लोग ऐसे ऊपर जा सकते एकदम, भाई बोले तो एकदम बढ़िया है क्या। फिर से पेपर डाल दिया और अपना बेस बंद होगा, एकदम तगड़ा बिल्ड है। तो अभी अपना नेक्स्ट हैक ट्राई करते हैं। गाइस अभी अपने पास है ना एकदम अजीब सी चीज है, लाइक ये देख के ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो अभी अपने को मतलब बस टेस्ट करना कि ये काम कैसे करता है, मतलब रेडस्टोन का ब्लॉक है। और अभी हम लोग इधर रेडस्टोन ब्लॉक लगा देंगे, एक ब्लॉक हाई और एक ब्लॉक हाई का सॉरी। उसके बाद में अपने को इधर नीचे पिस्टन लगा, और मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे करता है, लेकिन मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। एक सेकंड अभी इधर लगा देता हूँ, और उसके बाद में ये पिस्टन इधर। अच्छा सही है यार, ऐसे भी काम करता है, मुझे सही में नहीं पता था पिस्टन लाइक किधर भी। और ये ठीक है चलो ये जाने दो, बट ये वाला जो है लाइक इतने हवे में हम लोगों ने लगाया, बीच में इतना बड़ा गैप है, लाइक फिर भी काम करता है। मुझे नहीं पता डिस्पेंसर वगैरह काम करेगा कि नहीं। वैसे गाइस डिस्पेंसर तो काम नहीं कर रहा, आई थिंक बस है ना पिस्टन काम करता है सही से। ऑलराइट ये देखो मतलब पिस्टन सही से काम करता है, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है गाइस ये। गाइस अभी आपको और एक चीज दिखाता हूँ, लाइक सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा अजीब चीज है। मतलब ये देख के तो मुझे पता नहीं था कि विलेजर भी अपना डायमंड आर्मर यूज कर सकते हैं, लाइक सीरियसली दिखा रहा हूँ अभी आपको। तो हम लोग है ना ये वाले जो फेंस है, ये वाला एरिया, इधर हम लोग एक डिस्पेंसर और एक विलेजर, इधर और एक ओके गलती से हो गया, इधर और एक विलेजर स्पॉन कर देंगे। फिर डिस्पेंसर में हम लोग ना गाइस पूरा अपना ये डायमंड आर्मर डाल देंगे, और फिर इसको एक लीवर लगा देंगे। और अभी हम लोग ये वाले विलेजर को ना गाइस पूरा डायमंड वगैरह सब दे देंगे, आई थिंक दे दिया। ये देखो सब पूरा डायमंड आर्मर दे दिया, और मुझे सही में नहीं पता था कि विलेजर ऐसा उठा लेता है। ये देखो पूरा इसके पास डायमंड आर्मर वगैरह है फुल, और ये इस पे दिखता नहीं है। और अभी आपको दिखा देता हूँ ये वाला जो है इस पे कुछ नहीं है, जिसको हम लोगों ने कुछ नहीं दिया डिस्पेंसर से। तो इसको एक दो तीन ओके तीन शॉट में मर गया। और ये वाला देखते हैं अभी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ऑलराइट 11 शॉट लगे गाइस लिटरली। लाइक विलेजर भी अपना आर्मर यूज कर सकते हैं, ये मुझे सही में नहीं पता था यार, ये नई चीज है कि क्या यार, नीचे कमेंट करके बता दो। ऑलराइट गाइस, तो भी अपने पास फिर से एकदम बढ़िया सा है कि मतलब
हर बार की तरह इस बार भी अपने पास एकदम बढ़िया सा है कि तो अभी अपने को एक चाहिए डिस्पेंसर, और फिर अपने को डिस्पेंसर में रखने के लिए चाहिए थोड़े से, आई थिंक थोड़े से ही फायरवर्क चाहिए। तो हम लोग ना इसको ऐसे लाइक कैसे, ओके ये वाला चीज़ भी सही में बताऊँ तो मुझे पता नहीं थी। तो हम लोग ना मिडल माउस बटन और कंट्रोल दबा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और इसको भी ऑल राइट ओके ये देखो भाई साहब सब डिस्पेंसर में ये भर गया, मुझे सही में ये पता नहीं थी। तो कंट्रोल मिडल माउस दबा के हम लोगों ने ये कॉपी कर लिया, एकदम बढ़िया सी चीज़ है। ये देखो ये एम्प्टी वाला डिस्पेंसर है और अपना ये फुल वाला डिस्पेंसर है। ओके तोड़ने पर इतने सारे रॉकेट भी आ गए, और फिर अपने को ना इनके पीछे ना सबके पीछे ऑब्जर्वर लगा देना है गाइस, ऑब्जर्वर। ये देखो ऐसे ऑब्जर्वर आ जाएंगे इधर सबके पीछे, और फिर से अपने अगर कोई नहीं तो अपने को ये तोड़ना तो है ही। उसके बाद में अपने को ना इधर ऐसे रिपीटर लगा देने हैं, ऑल राइट कोई नहीं। और फिर अपने को चाहिए गाइस एक बटन, नहीं पहले अपने को ना मेन चीज है गाइस ब्लॉक ऑफ अमेथिस्ट या बडिंग चाहिए, मुझे याद नहीं कि कोई नहीं। तो अपने को ना इधर इसका आवाज़ एकदम मस्त आता है, तो एक्चुअल में हैक यही है कि इसका आवाज आने वाला है एकदम सा स्वीट सा प्यारा सा, तो हम लोग इधर लगा देंगे। ऑल राइट बराबर से लग गया, अभी हम लोग इसको बटन लगा के ट्राई करते हैं। क्या मस्त स्वीट आवाज आता है, फिर से आपको दिखा देता हूँ, बस एकदम प्यारा सा आवाज आता है, बाकी कुछ नहीं है बोले एक में, बट एकदम स्मूथनिंग आवाज है यार, मतलब एकदम खुश कर देता है दिल। मजा आया, फिर से और एक बार करके देखते थे, सही में बहुत बढ़िया आवाज है। तो अभी अपना नेक्स्ट हैक ट्राई करते हैं। ओके गाइस तो अभी अपने पास एकदम डेंजरस हैक है जिसमें हम लोग ना इन्फिनिटी गॉन्टलेट ला सकते हैं, तो उसके लिए अपने को चाहिए भाई कमांड ब्लॉक ही बोलते हैं ना उसके। ओके गाइस तो अपने को और एक दो कमांड ब्लॉक चाहिए, इधर एक रख दूंगा और इधर एक, और फिर अपने को ना एक दो कमांड है जो कॉपी पेस्ट करनी है। तो अपने को एक चाहिए गॉन्टलेट हेड और दूसरा चाहिए बेल्ट। आई होप कि गाइस ये वाली कमांड काम करेगी, इतनी बढ़िया डन दबा देंगे और कुछ मिला गया यार अपने को, आई थिंक अपने को चाहिए बटन, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, मैं कमांड ब्लॉक का यूज भूल गया हूँ। ऑल राइट गाइस ये देखो अपने पास गॉन्टलेट आ गया है, भाई साहब गॉन्टलेट है तो ये कस्टम बना दिया हम लोग ने, एक वेबसाइट है जिससे अपने को कौन सा भी कस्टम मिल जाता है यार, बस दबा दो इन्फिनिटी गॉन्टलेट है ऑन गूगल माइनक्राफ्ट का, फिर आपको मिल जाएगा। और फिर गाइस दूसरी कमांड है बेल के लिए, और इसको भी हम लोग ना एक्टिवेट कर देंगे, आई थिंक अपने पास बेल आ जाएगी। ये देखो भाई साहब तो बेल आ गई, तो इसका मदद से हम लोग कौन सा भी हेड ला सकते हैं। गाइस ये वाला है ना एकदम छोटा सा मस्त सा और डेकोरेशन है के, तो अभी मैं ये हटा देता हूँ इधर, और फिर हम लोग इधर एक ऐसे ये रख देंगे, इधर रख देंगे, इधर रख देंगे जो भी है पॉलिश डिप्सलेट, और फिर इधर इसके ऊपर ये आ जाएगा। और अपने को चाहिए एक डिस्पेंसर, देन एक आर्मर स्टैंड का स्पेलिंग भी भूल गया, और अपने को चाहिए गाइस एक लीवर। तो अभी अपने को ना इधर है ना ये अपना ऐसे एक सेंट इधर गया यार, ओके मुझे नहीं पता। ओके ये देखो ऐसे डिस्पेंसर लगा देना है, देन इसके अंदर एक आर्मर स्टैंड, और फिर हम लोग ना लीवर से इसको ऐसे एक्टिवेट कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, फिर ये इधर आ जाएगा। देन गाइस अपने को आई थिंक अपने को ये लगाना है पहले, देन अपने को ये जो अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट है तो ये अपने को ये एम्प्टी पोर्शन में लगा देना है इधर ऐसे। ऑल राइट गाइस ये देखो अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट क्या बढ़िया लग रहा है, मतलब एकदम बढ़िया सा डेकोरेशन है के, और इसमें थोड़ा सा हम लोग ना टॉर्च वगैरह लगा देंगे ना, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा डेंजर होने वाला ये। ओके भाई साहब ये देखो अभी एकदम बढ़िया लग रहा है, मतलब सही में हम लोग भी थैनोस बन सकते हैं एकदम एक चुटके मारेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है एकदम सस्ता थैनोस बोले तो। ओके गाइस तो आज के लिए इतना करते हैं, और आपको भी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कौन सा आपको ज्यादा पसंद है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय गाइस।